ज्ञान द ट्रेजर में आपको स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान राम को जो विष्णु के सातवें अवतार थे, राम जी को गुस्सा किन किन अवसरों पर आया है। उन्हें गुस्सा नहीं आता था क्योंकि उनका जो चरित्र है वो शांतचित्त, गंभीर, सहिष्णु और धैर्यवान माने जाते हैं। दिव्य शक्तियों के होते हुए भी उन्हें मानव शरीर में जन्म लिया और इसलिए मानवीय सीमाएं उन पर लागू होती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी, वो सब कुछ कर सकने में सक्षम होते हुए भी, भगवान राम को कई मौकों पर अपने क्रोध को प्रकट करना पड़ा है, तो उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार उन्हें थोड़ा सा क्रोध आया था और वो था सीता स्वयंवर के दौरान परशुराम से विवाद होने पर। हालांकि बाद में चुप गए थे। सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी वीर के साथ सीता की शादी की जाएगी। सभा में मौजूद कोई राजा प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को उठा भी नहीं पाया था। जब राजा जनक ने उड़ाना देते हुए कहा कि क्या कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो ये धनुष को उठा सके, तब श्री राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इस दौरान धनुष टूट गया। उसकी तीव्र गर्जना को सुनकर शिव भक्त परशुराम को इसका पता चल गया। वो क्रोध में आकर राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। तब वह लक्ष्मण के साथ उनका वाद विवाद होने लगता है। तो कहीं कहीं ये हर जगह तो नहीं विश्लेषण किया गया है, पर किसी किसी रामायण में विश्लेषण किया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वहां पर क्रोध आ गया था। तब परशुराम जी को श्री राम के विष्णु अवतार होने का भान होता है जब उन्हें क्रोध आ जाता है, तथा वे उन्हें शांत हो जाने के लिए मनाने लगते हैं। एक्चुअली में एक्चुअल जो लिखा हुआ है बहुत जगह पर कि गुस्सा लक्ष्मण को आता है और हमारे जो श्री राम जी थे अंत में सिस झुका देते हैं कि लो हमारे गर्दन काट लो। दूसरा उन्हें क्षणिक क्रोध आया था जब समुद्र ने मार्ग देने के लिए मना कर दिया था। लंका को, लंका तो श्री राम जी की जो पत्नी थी सीता जी, उन्हें लंकापति रावण ऑलरेडी किडनैप कर चुका था, अपहरण कर चुका था। हरण कह लीजिए, करेक्ट वर्ड हरण ही है। तो सीता को लंका से वापस लेने के लिए रावण से युद्ध करना आवश्यक था और इसके लिए समुद्र को पार करना पड़ता। इसके लिए श्री राम ने समुद्र से अपनी लहरों को शांत करने का अनुरोध किया ताकि उस पर सेतु का निर्माण किया जा सके। तो उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलते देखकर वो वहां पर क्रोधित हो गए थे। तब राम ने कहा था, विनय न मानत जल्दी पड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु हई न प्रीति। यानी 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री राम जी थोड़े से क्रोध में बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को ही सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। उनके ऐसा निश्चय करते हैं समुद्र देवता थर थर कांपने लगते हैं तथा प्रभु श्री राम से शांत होने की प्रार्थना करते हैं। अब ये जो विषय है, किसी किसी रामायण में ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने अपनी धनुष बाण उठा ली थी कि मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। कहीं कहीं रामायण में लिखा है कि राम को गुस्सा आया था एक बार और उनको सुग्रीव पे गुस्सा आया था। हालांकि ये क्षणिक क्रोध था। बाली को मारने के बाद जब श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया तो उसके बदले में सुग्रीव ने सीता जी की खोज अभियान में सहायता करने का वचन दिया था। पर थोड़े वक्त के लिए वो अपने वचन के प्रति थोड़े से विमुख हो गए थे। तब श्री राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया था। उन्होंने लक्ष्मण जी को अपना दूत बनाकर सुग्रीव के पास भेजा ताकि उन्हें उनके वचन की याद दिलाई जा सके। लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते उन्हें थोड़ा सा अलग, क्या नया नया राजा बने थे, थोड़े से भोग विलास में लिप्त देखकर थोड़े से वो भी क्रोधित हो जाते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव अपने श्रेष्ठतम सेनानायक हनुमान को श्री राम की सहायता के लिए नियुक्त करते हैं और फिर उनका साथ देते हैं। फिर उनका क्रोध छलका था काकासुर पर, उन्होंने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया था। वनवास काल में त्रिकुट प्रवास के दौरान
इंद्र का पुत्र काकासुर सीता माता की गरिमा और मर्यादा से खिलवाड़ करने की थोड़ी सी कोशिश करता है। तो इस पर क्रोधित हुए राम ने तृण को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया। काकासुर ने तीनों लोकों में अपनी रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलने पर वह श्रीराम के चरणों पर लौट जाता है। तब राम ने कहा कि ब्रह्मास्त्र तो निष्फल नहीं हो सकता है, और उन्हें काकासुर की दाई आंख पर प्रहार कर दिया था। इससे काकासुर के प्राण तो बच गए, लेकिन उसकी दाई आंख में दोष हो गया। मान्यता है कि आज भी इसी कारण कौवे की दाई आंख में दोष पाया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।